कंफर्म करा कि भाई शेंगेन तुम ठीक टाइम पे निकले थे कि नहीं निकले थे। मैंने यार शेंगेन से क्या लेना देना यार तुम लोगों का। अगर आपको याद होगा मैंने 3 महीने पहले अपनी ट्रिप की शुरुआत करी थी, 3 महीने से ऊपर हो गए भाई। भाई ये बस ने मेरे को छोड़ दिया है एयरपोर्ट, हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहा मेरे पीछे मेरी फ्लाइट है भाई विज एयर की टू अबू धाबी। अबू धाबी में मैं 2 दिन रहूँगा और फिर मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की। मैं 3.5 महीने बाद इंडिया जा रहा हूँगा। अभी तो पहले अबू धाबी जा रहे हैं, विज एयर की फ़्लाइट है मेरी, मैंने बुक कर दी थी, मैंने 3 महीने पहले ही बुक कर दी थी और मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ी थी, करीबन 3,000-3,500 की पड़ी थी विथ 10 किलो बैगेज। दिक्कत क्या है, मेरा ना बैगेज अभी करीबन 15 किलो है, तो देखते हैं भाई, आई होप एक्स्ट्रा ना मांगे। 15 किलो ये है और ये तो छोटा सा बैग है, इसके लिए कुछ कहते नहीं है, ये तो कैरी ऑन बैग होता है, तो देखते हैं कैसा होता है। 3 घंटे की फ़्लाइट होगी, टाइम जोन सेम रहता है भाई, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और यूएई का सेम टाइम जोन है। 3 घंटे की फ़्लाइट है, अंदर ड्यूटी फ्री वाला एरिया होगा। यार मैं इमिग्रेशन के बाद ही मिलूँगा, यूएई का तो खैर क्या ही होता है इमिग्रेशन, 4 या 5 बार जा चुका हूँ, कुछ नहीं पूछते। चलो चलते हैं भाई, अंदर बात करते हैं आपसे। तो यार मेरा चेक इन हो गया है भाई, विज एयर इतना अच्छा एक्सपीरियंस होना मेरा, या मेरे को अच्छे लोग मिलते हैं, मेरे को नहीं पता भाई, लोगों का बुरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है लो कॉस्ट बजट चार्टर्स के साथ, क्योंकि यार पैसे मांगते हैं ना हर चीज़ के लिए, बट मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने जैसे बताया था यार, मेरा बैग ना ओवरवेट था, क्योंकि मेरी वजह से नहीं है भाई, कपड़े तो मेरे उतने ही हैं, कपड़े मैंने कोई नए तो खरीदे नहीं है, मेरे पास गिफ्ट्स हैं, कम से कम 5 से 7 किलो के गिफ्ट्स हैं, जिसमें मिठाइयाँ हैं, वाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं घर ले जा रहा हूँ यार, घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है मेरा। मैंने कुछ खरीदता विरीदता नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैग्नेट खरीदता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका तो भाई बहुत ओवरवेट है बैग, क्योंकि मेरा 17 किलो बैग था और ये छोटा वाला बैग था 5 किलो। उन्होंने बोला भाई कुछ निकाल लो, हम आपका फ्री में चेक इन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला वाइन निकाल लो, कहते वाइन तो आप कैबिन में ले जाने ही नहीं देंगे, लिक्विड तो ले जाने ही नहीं देंगे। मैंने कहा वो भी बात सही है। उन्होंने बोला यार 4-5 किलो का निकाल दो, हम ले जाने देते हैं आपको, ऐसे ही ले जाने देते हैं। तो मैंने ऐसे एक बैग निकाल लिया, इसमें मेरी चप्पलें हैं, जूते हैं और मिठाइयाँ हैं। तो कहते 3 या 4 किलो, कहते कोई बात नहीं ले जा भाई, तो ले जा। कहते हैव अ गुड ट्रिप, नमस्ते टू इंडिया। मैंने यार इतने प्यारे लोग हैं ना यार, इतने प्यारे लोग हैं यार, यही चीज़ें जो एयरलाइन को अच्छा बनाती हैं, पता है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है भाई, मेरे को पे करना चाहिए और, बट यार मैं भी बजट ट्रैवलर हूँ, वो समझते हैं भाई। उन्होंने मेरा बैग देख लिया, उन्होंने कहा भाई कितने महीने से घूम रहे हो? मैंने कहा 4 महीने से घूम रहा हूँ इस, कहते इस बैग के साथ। कहते हैं हाँ, कहते हैं यार सही है, बिल्कुल सही है। कहते कहाँ कहाँ घूम कर आए? मैंने यार यूरोप से आ रहा हूँ, मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ वापस। कहते कोई बात नहीं भाई, जा तू, कोई बात नहीं, इतना चलता है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छे हो आप लोग। खैर बाहर चलते हैं यार, इमिग्रेशन कराते हैं अब। ये भाई विज एयर 5W7016 1115 की भाई, ये ड्यूटी फ्री वाला एरिया, यहाँ पे अपना इमिग्रेशन हो गया और बैठे हैं भाई दूसरे साइड। यार पहले मेरा शेंगेन वीज़ा चेक करते हैं, कहते हैं शेंगेन जोन से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई शेंगेन जोन से आ रहे हैं। कहते हैं अच्छा, कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अबू धाबी। कहते हैं रेसिडेंस है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे पास वीज़ा है, मेरे पास ट्रांजिट वीज़ा है। तो कहते ठीक है जाओ भाई। फिर एक बार कंफर्म करा कि भाई शेंगेन तुम ठीक टाइम पे निकले थे कि नहीं निकले थे। मैंने कहा शेंगेन से क्या लेना देना यार तुम लोगों का, मतलब मैं तो अजरबैजान में हूँ, वो तो शेंगेन जोन यूरोपियन यूनियन किसी का भी पार्ट नहीं है, और सिर्फ कंफर्म कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। फिर उससे पहले जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे आराम से बात करते, कहते कहाँ से हो? इंडिया से। कहते अस्सलाम वालेकुम, इंडिया से हो? मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान। कहते इंडिया। कहते अच्छा, कहते क्या नाम है? सिद्धार्थ। कहते सिद्धार्थ? मैंने कहा सिड इजी है। कहते मेरा नाम है अनार। मैंने कहा अनार तो भाई अपना पॉमन ग्रेनेट होता है। फिर हंसने लग गया भाई, इतना सही सा इमिग्रेशन गया, इतना सही एक्सपीरियंस हुआ। मैं आज खाम खाए थोड़ा घबरा रहा था कि भाई पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ये होगा वो होगा, बट कुछ नहीं हुआ भाई ऐसा। ड्यूटी फ्री पे आ गए भाई। यहाँ पे ना परफ्यूम भी काफ़ी सस्ती मिलती हैं, परफ्यूम अल्कोहल भी मिलती है यहाँ पे ड्यूटी फ्री में अजरबैजान में, बींग अ मुस्लिम कंट्री। वैसे तो यूएई में भी मिलती है,
बट काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज में बैंड है भाई ऑफ कोर्स अल्कोहल। तो चलते हैं भाई, डेढ़ घंटा है अपने पास, यहाँ पे चक्कर मारते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा है ये तो निकलते हैं। यार एयर अरेबिया नहीं है, विज एयर की है, आ गया है। और भाई ट्रिप का एंड हो रहा है मेरा, मैंने सामान भी ड्यूटी फ्री से ले लिया थोड़ा सा। भाई अलग ही फीलिंग होती है जब आप बहुत लंबे ट्रिप के बाद ऑलमोस्ट घर जाने वाले होते हो ना, लास्ट के दो तीन दिन। वैसे अभी दो दिन है मेरे पास, मेरी फ़्लाइट 4 दिसंबर को है, फाइनल आज 1 दिसंबर हो गई, तो मेरे दो दिन और हैं अबू धाबी में, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, शायद ब्लॉग भी ना बनाऊँ। 3 घंटे की फ़्लाइट है यार ये, और इसमें कुछ नहीं देते भाई, वैसे एयर में कुछ नहीं देते आप। भाई जान लोगे क्या इनकी, 3,000-3,500 में बैगेज इंक्लूडेड था, और 3 घंटे की फ़्लाइट है, और आप प्रिटी मच कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, 7,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो शायद, नहीं मेरे को पता नहीं है। चलते हैं भाई, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, चलते हैं भाई, पहुँचते हैं अबू धाबी। काफ़ी अच्छी है, बट मेरी जो फ़्लाइट अबू धाबी से दिल्ली की है दो दिन बाद, वो एतिहाद की है, तो वो भी देखेंगे भाई कैसी है। अभी के लिए चलते हैं, 1 घंटे में लैंड करके मिलते हैं। जनाब अली आ गए हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे। यहाँ से अगर आपको याद होगा, मैंने 3 महीने पहले अपनी ट्रिप की शुरुआत करी थी, 3 महीने से ऊपर हो गए भाई, 3 महीने 1 हफ्ता, ऑलमोस्ट 100 दिन हो चुके हैं मेरे को, यहीं से शुरू करा था यानी यहीं से हमने पोलैंड की फ़्लाइट ली थी 3 महीने पहले। अभी आ गए भाई, यहाँ से A1 बस जाती है, A1 A2 बस जाती है अबू धाबी के अंदर, वहाँ से मैं अपने दोस्त के घर जाऊँगा जिसके घर में 2 दिन रहूँगा। मेरे को काउच सर्फिंग से मिले हैं भाई, मेरे को मॉन्टीनिग्रो में मिले थे, तो कह रहे थे कि जब अबू धाबी आओगे मेरे घर रह लेना। मैंने कहा यार नेकी और पूछ भाई, अबू धाबी में होटल लेने का कोई मन नहीं था मेरा, बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे, तो सोचा है भाई क्यों कॉल करते हैं, भाई कहते हैं यार आ जाओ, हम तो यहीं पे ही हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, भाई का घर यहाँ से सिटी के अंदर है तो 1 घंटा लगेगा कम से कम। यहाँ से A1 बस जाती है, फिर 73 बस जाती है, तो मैंने कार्ड ले लिया, ये कार्ड करीबन 8 का है शायद, और इसमें बैलेंस 12 हो गया है, तो लगभग मैं उतने में पहुँच जाऊँगा। चलते हैं भाई, बस की वेट करते हैं, यहाँ पर और जनता भी वेट कर रही है, चलते हैं भाई। यार मैं अबू धाबी में पहुंच गया हूं, एक अपार्टमेंट में जो मेरे दोस्त मेरे यार अब्दुल्ला राशिद भाई का है जो अबू धाबी में रहते हैं। मैं उनको मॉन्टीनिग्रो में मिला था और वो कह रहे थे कि भाई जब आप अबू धाबी आओगे तो मेरे घर पे रह लेना। मैंने कहा था बिल्कुल भाई, वैसे भी यार दुबई अबू धाबी में आपको पता ही है महंगे होते हैं अपार्टमेंट्स और होटल, तो दुबई में मेरा जुगाड़ है यार, मैं दुबई में बहुत लोगों को जानता हूँ, तो मैं दुबई में कहीं भी किसी के घर पे भी रह सकता हूँ। बट मेरे को 2 दिन यार, 2 दिन के लिए मैं क्या दुबई जाता और वापस आता, तो मैंने राशिद भाई से पूछा भाई कैन आई स्टे विथ यू 2 दिन, तो भाई ने कहा बिल्कुल आप आ जाओ। भाई ने फिर कहा कि यार मैं हो सकता है ना हूँ तो मैं आपको अपने अपार्टमेंट की चाबी दे दूंगा। मैंने कहा भाई इतने ट्रस्ट करने वाले लोग यार कहाँ मिलते हैं, और मैं भाई से बिल्कुल मतलब 10 मिनट मिला हूँ मॉन्टीनिग्रो में, और भाई काउच सर्फिंग भी करते हैं, भाई की भी प्रोफाइल है और भाई का ये अपार्टमेंट है, बहुत ही प्यारा अपार्टमेंट है, बहुत ही कोजी सा, बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट है। ये है राशिद भाई, राशिद भाई मैं दिखाता हूँ, राशिद भाई ये पीछे हैं यहाँ पे, ये हैं राशिद भाई, राशिद भाई के पेरेंट्स फैमिली हैं, और यहाँ से दिखाता हूँ भाई व्यू राशिद भाई के घर से अबू धाबी का, क्या व्यू दिखता है यार, क्या आला व्यू दिखता है। थोड़ा विंडोज़ बाहर ऐसे स्काई स्क्रेपर्स की थोड़ी क्लीन नहीं होती है, बट भाई देखो क्या व्यू है भाई, अमेजिंग व्यू है,
ओचन करा शो, आला भाई आला। मैंने पूछा भाई को कि भाई आप मेरे जाने से पहले आओगे कि नहीं आओगे, तो भाई अभी रिप्लाई करेंगे मेरे को, क्योंकि भाई अपने फैमिली के घर गए हैं। एक्चुअली एक नेशनल हॉलीडे है अभी, पहले दिसंबर है, नेशनल हॉलीडे है अभी, तो भाई अपने विलेज गए हैं, अपने होम टाउन गए हैं। तो भाई ने मेरे को चाबी दे दी, बहुत ही यार रिस्पेक्ट है। एनीवेज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, काश मैं राशिद भाई को मिला पाता, बट देखते हैं अगर वो आ जाएंगे तो बिल्कुल मिलाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छे इंसान लगे। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।